मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान है। बीते दिनों की झमाझम बारिश से अब थोड़ी राहत मिली है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट है। हालांकि कई जगह अब भी अपेक्षाकृत बारिश नहीं हो सकी है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, चंबल एवं नर्मदापुरम संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, ग्वालियर, सागर संभागों के जिलों में अनेक स्थान पर तथा रीवा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। बिरसा में 12, मलाजखंड, लखनादौन में 9, परसवाड़ा, साजापुर में 8, अमरवाड़ा, नवीबाग, राजगढ़, सीहोर, रायसेन में 7, करेली, नरसिंहपुर, भोपाल एयरपोर्ट में 6, तिरोड़ी, धनौरा, बैहर, बैरसिया, भैंस देही, घोड़ाडोगरी, कुम्भराज, भोपाल शहर, शमशाबाद, आष्टा, नटेरन में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर और इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल, ग्वालियर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। येलो अलर्ट बता रहा है कि शहडोल संभाग के जिलों में तथा सिवनी, मंडला, बालाघाट, कटनी, सागर, दमोह, रायसेन, विदिशा, गुना, अशोकनगर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। साथ ही बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में उड़ीसा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अरब सागर में सौराष्ट्र के पास अति कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसे लेकर उड़ीसा तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र तक मानसून ट्रफ बना हुआ है, जो दिशा सागर पिंडरा रोड से होकर गुजर रहा है।